अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? तो आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ हेयर रिलेटिव एक रेमेडी जो बहुत ही पावरफुल है। जिन लोगों के हेयर गिर रहा है, बाल में कोई शाइन नहीं है और बाल सिल्की नहीं है, उन लोगों के लिए तो ये बेस्ट रेमेडी है। तो सुबह हेयर वॉश करने से पहले एलोवेरा को इस तरह से लगाइए जैसे बाल घने, लंबे और शाइनी हो जाएगी। तो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट रेमेडी में आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर फिरदौसी, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तीन चीज़ों से बनेगी ये रेमेडी। तो तीन चीज़ों की सहायता से मैं बनाऊंगी हेयर की देखभाल के लिए आज ऐसी रेमेडी को मैं बना रही हूँ जो बिल्कुल नेचुरल है। तो नेचुरल तरीके से बनाऊंगी और तीन चीज़ों से बनाऊंगी, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और हमारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। हेयर फॉल रुकेगी, हेयर लंबे घने और मजबूत होगी। एलोवेरा हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। एलोवेरा के अंदर जो जेल होता है ना, वो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। करने से हेयर ग्रोथ होता है, हेयर ब्लैक होता है, तो साथ ही हमारे हेयर को बहुत ही अच्छी तरह से नारिश भी करता है। कि जड़ जब मजबूत होती है तो अपने आप ही हेयर फॉल होना कम हो जाता है और धीरे धीरे ही हेयर फॉल होना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। तो वीक में दो बार ही इसे यूज़ करना होगा। कैसे करना होगा ये मैं वीडियो में बताऊंगी। एलोवेरा की प्रयोग सभी व्यक्ति कर सकता है, गर्ल्स बॉयज दोनों ही इस रेमेडी को यूज़ कर सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए, बॉयज़ में भी आजकल हेयर फॉल का प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा होता है। तो 100% प्योर है ये रेमेडी, तो हर कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। आप चाहे तो मार्केट का भी एलोवेरा ले सकते हैं, लेकिन मार्केट का जो एलोवेरा होता है इसमें थोड़ा सा प्रिजर्वेटिव मिला रहता है ताकि जो एलोवेरा है वो लॉन्ग टाइम में अच्छी रहे, तो वो यूज़ कर सकते हो। लेकिन कोशिश करना कि घर का फ्रेश एलोवेरा का लीफ ही यूज़ करें। तो आइए चलते हैं, मैं बनाना दिखाती हूँ कैसे इस रेमेडी को मैं बनाऊंगी एलोवेरा से, जो बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट्स है हमारे हेयर के लिए। तो आइए चलते हैं, मैं दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक एलोवेरा लीफ को ले लिया और इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया। अच्छी तरह वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो एलोवेरा में एक जो जेल होता है येलो टाइप का होता है, वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। तो इस तरह से अच्छी तरह से वॉश कर लिया मैंने। और इस तरह से होता है, साइड में जो काटा होता है इसको मैंने देखे कुछ इस तरह से चाकू से मैंने काट कर फेंक दिया। तो इसको फेंक दीजिए, नहीं तो हाथ में चुभ जाएगा। तो अभी क्या करना है हमें, इसको मिडिल से मैं इस तरह से काट लूँगी, देखिए कुछ इस तरह से। तो इस तरह से मिडिल से काट लिया, दोनों को मैं इस तरह से काट लूँगी। धीरे से कीजिए, आराम से कीजिए। तो इस तरह से मैंने काट लिया और देखिए भरपूर है जेल से अभी। तो मैं क्या करूँगी, एक चम्मच ले लूँगी और चम्मच से इजीली निकाल लूँगी सारा जेल। तो देखिए मैं दिखाती हूँ, चम्मच से इजीली निकल जाता है कुछ इस तरह से, देखिए कुछ इस तरह से जेल ले लिया। और ये जेल बिल्कुल ही फ्रेश है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई केमिकल भी नहीं है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही फ्रेश है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके मैं सारे जेल को निकाल लूँगी। इस तरह से मैं निकाल लूंगी।
देखिए आराम से कीजिए, बहुत ही स्लिपी होता है तो फिसल जाएगा। तो और इसमें इतना ज़्यादा नहीं होता है तो हमें कोई भी वेस्ट नहीं करना है, मैं सब ले लूँगी। तो अच्छी तरह से हम निकाल लेंगे। और देखिए मैंने सारा जेल निकाल लिया, तो कुछ इस तरह से जेल निकल गया। तो अभी मैं क्या करूँगी, इस जेल को मैं एक मिक्सर जार में डाल दूँगी, कुछ इस तरह से सारे जेल को डाल दूँगी और एक स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। कोई कोई कहता है स्पून से ऐसा कीजिए तो जेल निकल जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, हमको ग्राइंडर में ग्राइंड करना ही पड़ता है, नहीं तो स्मूथ पेस्ट नहीं बनेगा ये। तो ग्राइंडर में डालने से इजीली मिक्स हो जाएगा। तो अभी मैं ग्राइंड करके दिखाती हूँ। तो अभी मैंने ग्राइंड कर लिया और देखिए दिखने में कुछ इस तरह बन गया, लिक्विडी टाइप का। तो मैं इसको एक बोर्ड में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो देखिए अभी मैं ट्रांसफ़र कर लिया और दिखने में कुछ इस तरह हो गया, तो बहुत ही लिक्विडी हो गया देखिए। तो अभी मैं क्या करूँगी, इसमें कोकोनट ऑयल मिक्स करूँगी। अभी मैं कोकोनट ऑयल डाल दूँगी। तो आप कोई सा भी ब्रांड का कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो। तो मैंने ले लिया, तो इसमें मैं 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल डाल दूँगी और अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। इस तरह से। और अभी मैं विटामिन ई का एक कैप्सूल ले लिया और इसको काट दिया और इसका सारा जेल को मैं निकाल लूँगी कुछ इस तरह से। तो इस तरह से विटामिन ई कैप्सूल कोई भी मेडिसिन की शॉप में मिल जाएगा इजीली। तो अगर आपके घर में विटामिन ई का कैप्सूल नहीं होगा तो कोई बात नहीं, एलोवेरा और कोकोनट ऑयल से ही आप बनाकर लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देने से बहुत अच्छा होता है। तो मैंने डाल दिया। तो हमारा तीनों इंग्रेडिएंट्स डालना हो गया। तो अभी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमारे जेल के साथ कोकोनट ऑयल और विटामिन ई मिक्स हो जाए। तो इस तरह से मिक्स हो गया। तो देखिए कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह हुआ है। तो ये सब तरह बनाने से लगाने में हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो आप एक काम कर सकते हो, ज़्यादा क्वांटिटी में बना कर फ्रिज में रख सकते हो। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना लिया तो फ्रिज में एक ढक्कन लगा के फ्रिज में आप रख सकते हो। और जब यूज़ करने का मन हो तब आप निकाल के डायरेक्ट यूज़ मत कीजिए, ठंडा हो जाएगा बहुत ही। तो इनको थोड़ा सा धूप में रखिए तो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में आ जाएगा, तब आप इसको हेयर में यूज़ कीजिए। तो इस तरह करने से बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा आपको, डायरेक्ट फेस से निकल कर मत लगाइए। तो अच्छी तरह मिक्स हो गया। तो एलोवेरा जेल बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारे हेयर के लिए। जिनका हेयर फॉल ज़्यादा होता है उन लोगों के लिए तो ये वरदान होता है। तो इस तरह लगाने से आपका हेयर फॉल भी रुक जाएगा, हेयर में शाइन भी आ जाएगा और हेयर इतना स्मूथ हो जाएगा, आप वॉश करने के बाद ही आप रिजल्ट देख पाओगे। तो आप इस तरह से लगा सकते हो बना के। तो आप इसे कैसे लगा सकते हो मैं बताती हूँ। सुबह जब उठते हो और हेयर वॉश करने से 2-3 घंटा पहले आप इसे लगा देना हेयर में, अपने हेयर में अच्छी तरह से जड़ से ऊपर तक पूरा अच्छी तरह से मसाज करके लगाना पड़ेगा इसको। और लगाने के बाद 1 घंटा के लिए हमें इसको हेयर में रखना पड़ेगा ताकि हमारा हेयर जो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर सके सारे बेनिफिट को। तो अगर आपके पास टाइम नहीं होगा तो आप हाफ एन आवर ही रख सकते हो। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो आप 20 मिनट इसको रख देना है। तो इसको आप हफ्ते में 2 बार ही लगाइए। तो 2 बार लगाने से हो जाएगा। तो वीक में 2 बार ही लगाइए और लगाने के बाद आधा घंटा रख के अपने बाल को अपने हेयर को वॉश करना है किसी भी माइल्ड शैम्पू के साथ। और उसके बाद आपके हेयर में जो चमक आएगा, जो शाइन आएगा और जो खूबसूरत और सुंदर हेयर होगा
आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो इस तरह से आप धीरे धीरे करके मसाज करके लगाइए इसको, इस तरह से नीचे एक एक पार्ट में आप लगाइए धीरे धीरे से, और एकदम ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह से लगाइए और उनको बांध कर छोड़ दीजिए। तो इस तरह से आप हफ्ते में दो बार यूज़ करोगे तो रिज़ल्ट आपके सामने ही आ जाएगा। तो अगर मेरा ये रेमेडी आप लोगों को अच्छा लगा, आप वीक में दो बार इसको यूज़ करेंगे तो आपका जो हेयर का जो सारे प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाएगा, 100% गारंटी मैं देती हूँ। तो इसमें कोई केमिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम प्योर और नेचुरल तरीके से मैंने बनाकर दिखाया। तो आप लोग घर में इजी से बना सकते हो और इसको यूज़ करके आपको खुद रिज़ल्ट आपके सामने ही खुद ही आप देख पाओगे। तो मुझे कमेंट, आपको मेरा ये रेमेडी अच्छा लगा और कोई हेल्पफुल लगा मेरा ये वीडियो, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट कोई वीडियो में मैं फिर से लेकर आऊँगी हेयर रिलेटिव कोई दूसरा एक रेमेडी जो बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। तो ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।